तो पहली पॉइंट तो यह है कि नई पार्लियामेंट की जरूरत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मौजूदा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको फायर सर्विसेज से क्लियरेंस नहीं है, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। अगर आग लग गई तो उसका क्लियरेंस नहीं है। 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब इस बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत छिड़ गई है। जहां एक तरफ नई बिल्डिंग के निर्माण के मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं पीएम द्वारा बिल्डिंग के उद्घाटन पर भी विपक्ष का हंगामा जारी है। इन सब के बीच ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का एक किस्सा सुनाते हुए नई संसद भवन बिल्डिंग की जरूरत को सही बता डाला। सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। आप लोग मीडिया के लोग तो सिर्फ सेंट्रल हॉल में कभी आते थे, वो भी मोदी साहब ने सेंट्रल हॉल में आपका आना भी बंद कर दिया। मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आके उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की जरूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब हमारा जो पार्टी का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि लोकसभा में ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट रहेगा, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहेगा, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहेगी। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला, उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफेरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति द्वारा संसद भवन की चर्चा पर भी ओवैसी ने विपक्ष को आड़े हाथों ले डाला। कहा, विपक्ष वाले जाहिल हैं और उनकी पार्टी को किसी विपक्षी पार्टी ने संपर्क नहीं किया, ये सब हमें अछूत मानते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टी के लोग हमसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़ी आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। वहीं ओवैसी ने कहा कि अगर ओम बिरला संसद भवन का उद्घाटन करते हैं तो उनकी पार्टी कार्यक्रम में जरूर शामिल होगी। प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। मौजूदा जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको फायर सर्विसेज से क्लियरेंस नहीं है, उसमें कोई क्लियरेंस नहीं है। अगर आग लग गई तो उसका क्लियरेंस नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग तो सिर्फ सेंट्रल हॉल में कभी आते थे, वो भी मोदी साहब ने सेंट्रल हॉल में आपका आना भी बंद कर दिया। मगर अगर आप ऊपर जाएंगे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 2012 या 13 में लेट मुलायम सिंह यादव साहब जब अपनी पार्टी के ऑफिस में खाना खा रहे थे तो एक बिल्डिंग का एक हिस्सा उनके आके उनके टेबल बाजू गिरा। तो ये नई लोकसभा की जरूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।